हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और आज हमारी वैष्णो देवी की ट्रेन वंदे भारत। तो आज चलते हैं हम वंदे भारत से वैष्णो देवी और आप लोगों को भी अपने साथ ट्रेवल कराते हैं वंदे भारत का। जहाँ भी तुरंत आ जाए। देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना अच्छा डेकोरेट हो रखा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। सो हम पहुँच चुके हैं स्टेशन, हमारी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है और ये देखिए हमारा लगेज जो बढ़ता ही चला जा रहा है और अभी वहाँ जाके और बढ़ेगा। सो चलते हैं, हमारे पीछे वंदे भारत ट्रेन के जितने भी वर्कर्स हैं, कोई क्लास क्लास चल रही है, ये लोग वही वंदे भारत इन लोगों को बताया जा रहा होगा कि कैसे क्या करना है, बताया जा रहा है वही खड़ा हमारी ट्रेन आ चुकी है और आप देखेंगे बहुत ही ऑसम ट्रेन है। बाहर से ही इसका इतना अच्छा लग रहा है इंटीरियर। सो अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेन में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कैसी ट्रेन है। देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए लेवल तो है, उसके बाद सीट नंबर गेट्स हैं जो खुल चुके हैं, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। वंदे भारत के अंदर आ चुके हैं, अपना सीट 10 कोच है और 1 2 3 4 5 6 सीटें हैं। चलते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं ये सब लोग अब और आप थोड़ा मस्ती धमाल और धमाल है करके दिखाते हैं। दो आदमी दो शख्स और आ रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में, ये देखिए। तो गाइस सुबह सुबह देखिए ये आया है और इसमें आपको ये देखिए ओट मिल्क कुकीज मिला है यूनिबिक की और एक कुछ ये है, ये क्या चीज है, मसाला चाय है, मसाला चाय पानी और गरम मिलेगा। और ये देखिए ये एकदम उस्ता चल गया इनका, मिल चुका हमारा ट्रेन। ये देखिए ये अपना लिए बैठी हुई है एकदम। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है चाय और बिस्किट के साथ। टाइम हो रहा है 6:15 ट्रेन चली थी, 45 मिनट बाद हमको ये मिला है एक बिस्किट और एक ये चाय। थोड़ा उधर फोकस कर लिया, घोट हम घोट चाय बना रहे हैं। दो चेयर की सीट है और भरे लेके कितने हैं इसमें, 3 लोग। पैसा नहीं, सबने अपनी अपनी सीट का दिया है लेकिन 7 बैठने के चक्कर में। और एक ये महापुरुष है, इनने तो बिल्कुल सीट ही छेक ली है। ये देखिए पेंट्री में तैयारी स्टार्ट हो गई है, ये लेकिन पंचायत कर रही कितनी बिछड़ी मिली हुई हैं जैसे एकदम पंचायती। और ये देखिए यहाँ पर एंट्री एरिया में और ये है ट्रेन का इंटीरियर, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी आपको ट्रेन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें हैं, इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या क्या आपको मिला है। पहले तो हम लोग को ये मिला है ज्ञान का मदर डेयरी का कार्ड है, उसके बाद एक ये है, ये आप जान ही रहोगे क्या है, सुल्तान मिर्जा की तरह ये है गुआवा ड्रिंक।
एक टोमेटो केचप, ये ब्रिटानिया का केक अपना, इसमें कुछ तगड़ा होना चाहिए, देखें क्या है। कटलेट, दो कटलेट और क्या हो सकता है, और इसमें आलू का पराठा। आलू का पराठा, दही तो हमने खोला ही नहीं, दही बिना दही के पराठा खाने का दही बचा ले जाए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना हेमा सिंह स्टॉपेज था। पहला स्टॉपेज हमारा अम्बाला था, और बाहर का ये देखिए लुधियाना स्टेशन कुछ ऐसा है। 15 अगस्त के दिन भी यहाँ भीड़ देख रही है, लेकिन अम्बाला में ऐसी भीड़ नहीं थी। ये मैडम देखते हैं जल्दी से जम्मू पहुँचना चाह रहे हैं, कह रही हमने पहाड़ नहीं देखे जम्मू। हाँ, और वहाँ का वेदर सुनने में आ रहा है बहुत अच्छा है इस टाइम। पहुँच चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन, और जम्मू रेलवे स्टेशन से अब हम लोग जा रहे हैं कटरा, और कटरा थोड़ी दूर है, पहुँचते फिर आपको दिखाते हैं। विकेट हमारा गिर चुका है, टिप करके खा रहे हैं पूरा, कैमरे में आ गए। चुका है दोपहर का लंच, और अब हस्बैंड दिखाएंगे आप लोगों को लंच। अभी हम लोग निकल चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन से, और ये खाना हमारा आ चुका है, और आपको दिखाते हैं पास आइए थोड़ा। ये कुछ ऐसी पैकेजिंग है जैसे IRCTC की तेजस परवल आलू की सब्जी, उसके बाद है जिसमें बड़ा मोटा मोटा राइस, इधर का सूटी गई है अभी अभी ये जस्ट। उसके बाद ये हमारा पनीर की सब्जी है, एंड आफ्टर ये दाल है, और राइस है, दही है, सॉल्ट है, सारा कुछ है। चलते हैं हम लोग और एंजॉय करते हैं अपने लंच को। ये सब बौरा गए हैं एकदम बाहर का व्यू देख के, पहाड़ पहाड़ों पे आप देख रहे होंगे पूरी बादल जमे हुए हैं, आइस तो नहीं कह सकते, अभी पूरे बादल दिख रहे हैं सामने से। कुछ यहाँ का सीन है, हम अंदर बैठे हैं तो अंदर शूट करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और ये देखिए व्यू देखिए नीचे,
नीचे चले जाए तो मजा ही आ जाए एकदम। सामने देखिए पूरे बादल आपको दिखेंगे पहाड़ों पर। अभी हम उतर चुके हैं वैष्णो देवी कटरा, उतर चुके हैं कटरा स्टेशन पे, अब जा रहे हैं रूम पे, कोई रूम देखते हैं बढ़िया। इतना मस्त वेदर हो रखा है, बारिश हो रही है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। अभी तो थोड़ा रुके हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जैसे ही बारिश खत्म होगी यहाँ से निकलते हैं। कटरा स्टेशन के बाहर, और ये देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, वेदर तो एकदम ऑसम है यहाँ का। बस यही सोच रहे हैं कि बारिश में हम लोग ऊपर चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे, यहाँ हो रही है बारिश। कैब में हैं और जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे दर्शन के लिए। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, टेक।